एषसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानञ्च संवेश्यम् हवै मङ्गलम् पढमं हवयि मङ्गलम् तेरी शरण में ही जीऊ तेरी शरण में ही मरो तेरी शरण में ही जिय तेरी शरण में ही मरो मोक्ष की गंगा मिली अब कुल क्यों पीऊं मोक्ष की गंगा मिली अब कूप का जल क्यों पियूं मैं हूं बड़ा चित ब्रह्म प्रभु तुम ही चिकित्सा कीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव गुरुदेव दीजिए गुरु दीजिए चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम दृष्टि प्रदाता बोधि प्रदाता सत गुरुदेव विराट गुरु जी के चरणों में वंदन नमन श्रुत प्रज्ञा के सागर वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम उनकी आज्ञा उनके द्वारा लिखे इस सूत्र भाष्य पर बातचीत करने के लिए और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना के संघ का भी अभिवादन और आभार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूर वेलकम मोस्ट वेलकम थैंक यू की कृपा <laughs> <laughs> बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता होती है उपादान आंतरिक क्षमता का नाम है थोड़ा शास्त्रीय शब्द है। हर किसी के लिए परिचित नहीं है जो हमारी इनर कैपेसिटी है एबिलिटीज है वो उपादान वर्ड से शास्त्रों में बताई गई है उपादान मतलब उप आदान एकदम नजदीक से जो ग्रहण किया जा रहा है एकदम नजदीक जो हमारा अपना स्वरूप है वो उपादान है फिर इस उपादान को क्षमता को प्रयोग में लाना प्रयोग में लाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए जैसे हमारे पास बोलने की क्षमता है लेकिन बोलने के लिए जीव मुख कंठ तालू इन सब का योगदान चाहिए ये सब साधन होंगे और फिर सामने सुनने वाला भी होगा तभी तो कोई व्यक्ति बोलेगा और बिना सुनने वाले के बोले तो लोग बोलेंगे पागल है बड़बड़ किए जा रहा है <laughs> और फिर सुनने वाला क्या सुनना चाहता है वो भी मैथोपुन है कोई लोग अलग-अलग रुचि वाले हैं ना कोई क्या सुनना चाहता है कोई क्या तो जो कोई तत्व रुचि वाले हैं वही तो तत्वार्थ अधिगम को सुनना चाहेंगे अब ऐसे कोई म्यूजिक का वीडियो दो लाखों लोग सुनने आ जाएंगे लेकिन आप बोला तत्विगम सूत्र सुनना है तो इसका नाम सुनते ही भारी लगता है अरे इतना भारी नाम ये नाम ये ही नहीं समझ में आता है तो इस सूत्र क्या समझ में आएगा तो लोग दूर से प्रणाम करते थे अच्छा अच्छा बाबा तत्विगम सूत्र ही क्या सूत्र है तो दिगम पर लोगों ने एक भी अच्छा काम किया इसका नाम मोक्ष शास्त्र रख दिया कि तब को सबको सरलता से समझ में आ सके की मुक्ति की बात करने वाला एक शास्त्र है मोक्ष शास्त्र है लेकिन शास्त्रों से भी मुक्ति जरूरी है मुक्ति के लिए कोई शास्त्र पकड़ के बैठ जाए कोई नक्शा पकड़ के बैठ जाए तो कहीं नहीं पहुंचता है अगर उसको कहीं जाना है कहीं पहुंचना है तो उसको नक्शा छोड़ना होगा नक्शा का उपयोग करना होगा लेकिन नक्शा को पकड़ के नहीं बैठे रहना होगा नक्शा का उपयोग किया जाए तो शास्त्र एक नक्शे की भांति है ये हमें कहीं 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 गाइड करते रहेंगे लेकिन चलना हमको है हमको ही हमारी अः क्षमताओं का प्रयोग में लाना होगा तो प्रयोग में कैसे लाएं? ये महत्वपूर्ण बात है सूत्र तो एक निर्देशिका है एक गाइड गाइडलाइंस है इन फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना होगा और कितनी मजेदार बात महावीर और बुद्ध के जीवन की हम बात करें तो बुद्ध अपने आप को बोलते थे मैं एक चिकित्सक हूँ मैं एक वैद्य हूँ मैं यहां तुमको उपदेश देने नहीं आया मैं उपचार की विधि बताने आया तुम इस उपचार की विधि को अगर खुद प्रयोग में लाओगे तो तुम भी बुद्ध हो जाओगे ये बुद्ध की बात थी। तो बुद्ध गांव गांव वैद्य की भांति मित्र की भांति कल्याण मित्र की भांति जाया करते थे तो बुद्ध की देशना जो है वो बहुत आ, बहुत एकदम आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाए एकदम आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाए ऐसी देशना है क्योंकि उनकी देशना में लंबे चौड़े उपदेश नहीं है उनकी देशना एकदम जीवन के तल स्पर्शी अः तथ्य को बताती है कि भाई जीवन दुख है और जब तुम दुखी हो तो अब दुखी कौन नहीं है दुखी सभी है हम भी आप भी अपने अनुभवों से जानते हैं कि पैसा हो ना हो पद प्रतिष्ठा हो ना हो बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो पुरुष हो स्त्री हो अपन किसी को भी जाके गहराई से देखे दुखी सभी है पैसे वालों के अपने अलग तरह के दुख है और जिनके पास पैसा नहीं है उसके अलग तरीके के दुख है जिसके लोग बोलते हैं ना वो शादी करने वालों के अपने अलग दुख है शादी ना करने वालों के अपने अलग दुख है <laughs> तो साधुओं के अपने दुख है आप देखो साधुओं को बुझा करके उनके चेहरे पे मौज मिल जाए तो बड़ी घटना है कोई एक के चेहरे में मिलेगा में बाकी तो साधुओं की अपने दुख अपनी चिंता है और जो घर बसा के बैठे उनके अपने दुख अपनी चिंताएं हैं तो बुद्ध की बात एकदम कनेक्ट होती है अरे जीवन दुख लग रहा है ना जीवन में कितना दुख है तो इस दुख का कारण है दुख मुक्ति का उपाय है अब ये बात समझ में आती तो पब्लिक को कनेक्ट हो रही थी बुद्ध 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 फैलते गए बुद्ध की फैलते गए। बुद्ध की वाणी फैलती गई देशना फैलती गई लोग सवाल करते फिर महावीर की देशना उतनी क्यों नहीं फैली जितनी बुद्ध की फैली बुद्ध के अनुयायी इतने सारे हो गए तो फिर महावीर के अनुयायी क्यों नहीं हुए दोनों समकालीन ही तो थे कोई लोग ये भी भ्रांति कर बैठते दोनों एक थे एक नहीं थे अलग अलग थे महावीर की देशना क्यों नहीं फैली इसका कारण क्या है महावीर निरपेक्षता के चरम बिंदु पर पहुंच गए निरपेक्षता कहीं कोई अपेक्षा नहीं बची बुद्ध भी निरपेक्षता के चरम बिंदु पर है लेकिन बुद्ध करुणा के सागर हो रहे हैं वो व्यवहारिक जगत में उतर के व्यवहारिक बात कर रहे हैं वो जहाँ आदमी खड़ा है केवल उसकी सीधी नब्स को पकड़ रहे हैं जैसे वेद्य क्या करता है आप वैद्य के सामने जाते हो आपका चेहरा होलिया देखता है लेकिन तुरंत आपके हाथ लेके नब्स पकड़ता है अब जब नफ्स पकड़ लेता है आप कुछ बोलो ना बोलो वैद्य ही बोल देता है तेरे अंदर ये 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 है, ये बीमारियां ये, ये, है पीड़ा तुझको वो पूरे शरीर के बारे में केवल नफ्स देख के बता देता है बुद्ध भी ऐसे ही कर रहे है महावीर वैद्य की बात ही नहीं नव्स नहीं पकड़ रहे हैं महावीर ओवरऑल बात कर रहे हैं लेकिन उनके बात करने का तरीका एक साइंटिस्ट के बात करने के तरीके की तरह है अब जो साइंटिस्ट है उसको समझना थोड़ा कठिन है उसको कोई कोई लोग समझेंगे कि साइंटिस्ट क्या कहना चाह रहा है साइंटिस्ट कहाँ खड़ा है अब साइंटिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको भी अपनी जर्नी करनी होगी तभी आप साइंटिस्ट की बात को समझ पाओगे अगर आपने अपनी स्टडी नहीं करी है आपने अपनी स्टडी स्व अध्याय नहीं किया है स्व अध्याय नहीं किया है तो महावीर की बातों को आप कहाँ कोरिलेट कर पाओगे कहाँ कनेक्ट कर पाओगे तो महावीर साइंटिस्ट की भाती बोल रहे हैं अब साइंटिस्ट जब बात करता है तो उसकी बातों में केवल और केवल और तथ्यात्मक बात होती है फैक्चुअल नॉलेज होता है अब वो फैक्ट की बात करता है जैसे हम उनसे पूछे पानी कैसे बनेगा उसने बोल दिया एच टू हो अब वो फैक्चुअल बात करिए अब वो फैक्चुअल बात का क्या मतलब है कि वो किसी भी क्षेत्र में ले जाके बनाओ किसी भी काल में ले जा करके बनाओ कोई भी बनाए कोई भी उसको पर्टिकुलर उसको प्रयोगशाला में ले जाकर के करेगा तो उसका रिजल्ट उसको मिल ही जाएगा लेकिन करना किसको पड़ेगा साइंटिस्ट कैन गिव अस अ लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई किसको करना पड़ेगा साइंटिस्ट हैज अप्लाइड उन्होंने तो अप्लाईड कर लिया अपने ऊपर अब सुनने वाले को अगर करना है तो उसको खुद को ही करना होगा अब यहाँ दिक्कत क्या होगी कि आपकी जिम्मेदारी पूरी पूरी आपके ऊपर है आपको साइंटिस्ट की बात समझनी है आपको खुद ही कुछ अप्लाई करना पड़ेगा सुन करके खाली बैठे रहने से तो साइंटिस्ट के साथ कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप सुन करके हाइपोथेसिस को ग्रहण करके लेबोरेटरी में चले गए और लेबोरेटरी में जाकर के आपने प्रयोग कर लिए महावीर के सूत्रों को प्रयोग में ले आए एक 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 छोटे छोटे सूत्र भी अपना लो उसको प्रयोग में ले आए तो जो प्रयोग रिजल्ट लाके देगा तो महावीर क्या बोलते हैं कि इस रिजल्ट के लिए तुम ही उत्तरदायी हो मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर यू रिसीव फ्रॉम योर लाइफ बस मैं तो फॉर्मूला दे सकता हूँ मैं वो विधि बता सकता हूँ लेकिन इस विधि को अपना करके तुम्हें कुछ मिला तो उसके लिए तुम तो जिम्मेदार हो तुमने तो विधि को नहीं अपनाया या रॉन्गली अपनाया या कर दिया उसके लिए भी तुम तो जिम्मेदार हो महावीर जिम्मेदारी किसी की नहीं ले रहे वो कह रहे हैं तुम ही तुम्हारे जिम्मेदार हो तुम अप्लाई करो तो ये ये फॉर्मूला मैं तुम्हें तो दे सकता हूँ अपना मार्गदर्शिका दे सकता हूँ लेकिन अप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा अब जब कोई इस तरह से बात कर रहा है कि तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा तो लाखों लोग भाग जाएंगे वो कहेंगे यार खुद को ही करना है तो फिर महावीर की बात को भी सुनने की क्या जरूरत है फिर तो छोड़ो फिर कोई अगर ऐसा आके बोले कि नहीं नहीं सब ईश्वर कर देगा सब अच्छा होने ही वाला है अथवा सब कुछ होगा ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नियति में जो लिखा होगा वो हो गई तो ये बात कितनी अच्छी लगती है आलस आलसी होना तो बहुत ही मजेदार लगता है तो जैसे कोई ये बोले कि तेरी नियति में लिखा है वो ही होने वाला है तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ईश्वर जो ये बात इतनी मन को सुकून देती है तो आदमी उन उन बातों बातों की तरफ भाग जाता है उन बातों को अपना लेता है हालांकि पूरी तो वो भी बात नहीं अपनाता और पूरी महावीर की बात भी नहीं अपनाता और वो क्या करता है आदमी बोलते है ना इसको गाली की भाषा में लोग बोलते दोगला है दोगला मतलब डबल फेसेड है कि डबल फेसेस है इसके अब कहने की बात है डबल फेसेस है देर आर सो मेनी फेसेस नॉट ओनली डबल फेसेस लेकिन फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं यार तो डबल फेस वाला आदमी है तो क्या होता है वो थोड़ा तो अपनाता है महावीर के कर्मवाद की बात अपनाएगा थोड़ा सा महावीर की पुरुषार्थ की बात करेगा थोड़ा सा ये बोलेगा हाँ मैं जिम्मेदार हूँ करता हूँ लेकिन फिर जब स्थिति आएगी जब अच्छा अच्छा हो रहा है तो बोलेगा मैंने किया जैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा बोले मैं क्या कर सकता हूँ किस्मत में ऐसा था नियति ऐसी थी उसकी इच्छा ऐसी थी फिर वो उसको सबको टालता जाएगा इस वजह से आदमी सोचता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रहा वो दोनों जगह की कली बातें बातें कर रहा है और अपने ऊपर कुछ प्रयोग नहीं कर रहा तो इसलिए महावीर के बाद एक वैज्ञानिक की बात अभिव्यक्ति होने की वजह से हम देखते हैं कि महावीर बहुत सारे आ, लोग महावीर से खुद से इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनको ये लगा कि हम आ, इस परम स्वतंत्र को उपलब्ध तो हो सकते जैसे महावीर हुए लेकिन महावीर इतनी कष्टपूर्ण स्थितियों से गुजरे हैं लोग ऐसा प्रेडिक्ट लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है ना महावीर ऐसे हुआ लेकिन लोगों का परसेप्शन है कि महावीर इतनी कठोर स्थितियों से गुजर करके केवल या की अवस्था तक पहुंचे तो हमें तो ऐसी कठोरता नहीं चाहिए इसीलिए हमें ये सब साधना वदना नहीं करनी हमें कोई प्रयोग वम नहीं करना है हमें तो कोई इजी सी कोई पर्ची दे दो कोई तंत्र मंत्र दे दो कुछ ऐसा दे दो कि मेरी लाइफ यहां पे सेटल हो जाए आगे की किसने देखी छोड़ो बात लेकिन लोग सोचते नहीं है आगे पीछे जैसा कुछ नहीं होता है हम हम होते हैं और जीवन तो क्षण क्षण है ना आगे ना पीछे पीछे हमने कितना भी खाना खाया हो लेकिन जब भूख लगेगी तो क्षण में खाना ही पड़ेगा हम सोचे कि नहीं नहीं इतना बरसों खाना खा लिया है तो अब खाना खाने की क्या जरूरत है अब भूख भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है खा लिया लेकिन ऐसा होता है क्या नहीं प्यास जब लगी है तो पानी पीना ही होता है हम ये बोले नहीं नहीं मैंने बहुत पानी पिया हुआ है पानी पीने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं जीवन क्षण क्षण है यहाँ पास्ट में आपने क्या किया इसे कोई लेना देना नहीं है इसी क्षण इस की बात है इस क्षण में जीवन है और जो क्षण में जीवन है तो फिर क्षण की जिम्मेदारी हमारी है हर क्षण जागने की बात है फिर फिर ऐसा नहीं मैं पहले बहुत जागा हूँ कोई लेना देना नहीं है इस क्षण क्या है इस क्षण जागृति है कि नहीं है और जो बोलता है पहले जागा अब नहीं जागा अरे ट्रेन की वेट करते हुए यात्री जो प्लेटफॉर्म पर बैठा है वो पूरी रात से ट्रेन का इंतजार कर रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है सुबह तीन बज करके पंद्रह मिनट पर अब वो बंदा तीन बजे तक जागा था लेकिन तीन बज के पांच मिनट पर उसकी झपकी लग गई और वो झपकी इतनी गहरी लगी कि वो जब आंख खुली तब तक पांच बज गए और जब उसने देखा तब तक ट्रेन जा चुकी और वो पछताता है कि मैं पूरी रात जागा था और जब ट्रेन आई तभी नहीं पता लगा अब उस आदमी को क्या बोलेंगे वही तुम जागे नहीं जागे कोई फर्क नहीं पड़ता जब ट्रेन आई तब तो चुग गए ना तो हम सब भी ऐसा क्षण क्षण में चुग जाते हैं और पुरानी बातों की दुहाइया करते चले जाते हैं तो विराट गुरु जी हमें सिखाया करते थे बताया करते थे कि ज्ञान जो है वो इस क्षण की जागृति का नाम है इस क्षण में जो जागृत है वो जान रहा है क्योंकि जानना तो उपादान है ज्ञान हमारा मौलिक उपादान है यानी हमारी स्वाभाविक क्षमता है इनहेरेंट क्वालिटी या कह दो ज्ञान और हम एक ही है अलग अलग ही नहीं है ऐसा नहीं है कि हमारे में ज्ञान है या हमारे में ज्ञान आता है और चला जाता है ज्ञान और हम एक ही चीज है तो कह रहे हैं कि ज्ञान तो जानने की क्षमता है और वो हम सबकी स्वाभाविक है इसलिए वो तो है ही लेकिन जो क्षण में जाग रहा है वो ज्ञान में है और जो क्षण में जाग नहीं रहा है वो कहा चला गया अब जो जाग नहीं रहा है, वो गया कहा वो चूकते गया कहा बस वो जो क्षण से चूक गया वो चला गया भूतन में पास्ट में या फ्यूचर में जैसे ही वो चूक के पास्ट और फ्यूचर की सोच में चला गया बस वो प्रमाद में चला गया तो दो ही बंधन है भूत और भविष्य अब लोग कहते हैं भविष्य का ज्ञान जो भविष्य का ज्ञान करने गया वो क्षण से चुप गया इसीलिए गुरु जी कहा करते भविष्य दर्शन भी पाप है भविष्य में क्यों जा रहे हो आप इसी क्षण में क्यों नहीं हो और जो भूत को इकट्ठा कर रहा है वो सोच रहा है मैं भूत में जा रहा हूं और उसकी जानकारियां मेरे पास है तो वो भी पाप है क्योंकि वो प्रमाद है और प्रमाद ही पाप है और जो कुछ भी हमने माइंड में इकट्ठा किया है मेमोरी के रूप में वो सब पास बेस्ड नॉलेज है और जो पास बेस्ड नॉलेज है उसको नॉलेज नहीं कहा ज्ञानियों ने जो जानकारियां हमने इकट्ठी की है अपने माइंड में वो सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज इंफॉर्मेशन सारी जानकारियां वो सब कुछ जो है वो हकीकत में तो ज्ञान पर आवरण है क्योंकि वो हमारी क्षण की जानने की क्षमता को बाधित कर रही है कर रही है। इसी क्षण जानने की क्षमता है, श्रन श्रन जीवन है, जीवन जानने की क्षमता को उपयोग में लेना ज्ञान है जानने की क्रिया नोइंग इज नॉलेज और वो नोइंग जो है वो प्रेजेंट में ही हो रही है लेकिन हम प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम ज्ञान में से चूक जाते हैं और हम प्रमाद में चले जाते हैं तो भूतन जानकारियां जो है गुरु जी कहा करते जानकारियां सदैव भूतन होती है ज्ञान सदैव नूतन होता है यह गुरु जी की द्वारा लिखी गई पंक्ति हमको बार बार वो इस बात के लिए टकोरते थे कि भूतन जानकार जानकारियां भूतन है ज्ञान नूतन है अगर तुम्हें तो ज्ञान में होना है ज्ञान में जीना है तो जानकारियों के प्रमाद से बाहर आओ और हमारी दिक्कत क्या है हम कहीं पर भी कुछ भी बात करने बैठते हैं हम बस जानकारियों की बातें करते जाते हैं जैसे आप और हम मिले हैं तो हम एक दूसरे को केवल देख करके इसी क्षण की अनुभूति में नहीं उतरते इस क्षण की अनुभूति से अनुभूति में उतरने की बजाय हम तुरंत बात करना शुरू करते हैं अच्छा आप किसके बेटे हो अच्छा आप क्या करते थे पहले रहते थे? हम कहा चले गए जानकारी अब जो जानकारियों में जाने की हमारी आदत इतनी गहरी हो गई है कि किसी भी व्यक्ति के मिलने के साथ ही हमारी सारी बातें पास्ट ओरिएंटेड चालू शुरू हो जाएगी और फिर हम हाँ उस बातों में कहाँ खोते जाएंगे और या फिर तुरंत फ्यूचर ओरियंटेड हो जाएगी आगे क्या करने वाले हो पांच साल बाद आप अपने आप को किस जगह देखते हैं कहा खड़ा पाते हैं आपके पांच साल के गोल्स क्या है आपने कुछ अपने लिए प्लानिंग करी है कि नहीं करी है और आप बोल दो नहीं मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता मैं तो स्पॉन्टेटी में जीता हूँ क्षण क्षण जीता हूँ लोग कहेंगे ये तब तो तुम पागल हो मूर्ख हो हर समझदार व्यक्ति प्लानिंग करता है और आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो जाओगे किधर कैसे पता लगेगा अच्छा जो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं उनको पता है कि वो किधर जा रहे हैं किसी ने कब्रिस्तान में जाने की प्लानिंग की है कि नहीं की है शमशान में जाने की प्लानिंग की है कि नहीं की है क्योंकि ये तो तय है कि और कहीं पहुंचे ना पहुंचे वो पांच साल बाद पहुंचे या अगले पल में पहुंचे सभी लोग पहुंचने वाले तो एक ही जगह पर है उस एक जगह पर जाना तो सबका ही तय है लेकिन उसकी कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा साल बाद जब मरूंगा तो कैसी स्थिति में मरूंगा क्या तब भी भीतर में ऐसी बेचैनियां ऐसी पीड़ा है ऐसी परेशानियां ऐसी चिंता है ऐसी शिकायतें ऐसी रोग शोक ये सब कुछ लेके मरने वाला हो क्या या कोई मौज मस्ती आनंद बेफिक्री बेताज बादशाह बन के एकदम आनंद का महासागर बनते हुए ऐसे जाने वाला हूं कैसे जाने वाला हूं शोक में रोग में या मौज में नहीं नहीं हम सबकी प्लानिंग के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है और तब तो हम चुकते चले जाते हैं तो क्षण जागृति ज्ञान है और यह जो ज्ञान है वो दर्शन के सम्यक होने पर ही ज्ञान ज्ञान होता है ऐसा समझो कि दर्शन आंख है दृष्टि है तो ज्ञान वह काजल है जो आंख होने पर ही लगाया जा सकता है आज सुबह अभी मैं जब काजल लगा रही थी तभी ये पंक्ति मेरे भीतर आई कि अरे ये आंख तो दर्शन है और ये काजल ज्ञान है क्योंकि लगा लगाई नहीं जा सकता अगर आंख ना हो तो इसीलिए सूत्र कितना प्यारा है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग दर्शन पहले दिया ज्ञान बाद में दिया पहले दर्शन सम्यक है तो ज्ञान सम्यक होगा अन्य ज्ञान ही नहीं है जानना है लेकिन अब जानना मिथ्या दर्शन होने की वजह से जानना ऑथेंटिक नहीं है यथार्थ नहीं है तो हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के पहले अध्याय मोक्ष शास्त्र के पहले चैप्टर का हम नौवा सूत्र की बात कर रहे हैं लास्ट सेशन में भी हमने यही बात की थी कि ज्ञान के महावीर भगवान ने पांच वेद बताए और दुनिया में ऐसा कोई अभी परम वैज्ञानिक की भांति बोलने वाला अथवा यू कह दे कि इस भांति प्रकट करने वाला सूत्रों को कि ज्ञान के पांच भेद हो सकते हैं या कि किसी ने नहीं बताया उसके बाद लोगों ने सुन करके के फिर अपनी अपनी अलग अलग थे लिखी होगी वो अलग बात है लेकिन मुख्य बात जो महावीर ने बताई ज्ञान के पांच भेद ज्ञान के भी क्लासिफिकेशन इज अ ग्रेट थिंग और उन्होंने बताया ये जो पांच भेद है उन पांचों भेदों के भी फिर आगे बताया कि ये जो पांच भेद है उनमें से चार भेद चार ज्ञान ऐसे है जो ऑब्जेक्टिव है पांचवा ज्ञान सब्जेक्टिव है मति श्रुत अवधि और मन पर ज्ञान ऑब्जेक्टिव नॉलेज है केवल ज्ञान ही सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव मतलब अब ज्ञान आत्मा एक है विषयगत है ये विषयगत है विषयगत नहीं है ऑब्जेक्टिव होना यानी विषयगत होना तब क्या होता है हमारे सामने कोई चीज आती है तो हमें उसका ज्ञान होता है वो चीज नहीं होती तो हमारे सामने उसका ज्ञान ही नहीं होगा हमको हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो हम उनको जान रहे हैं कोई बुक है तो हम उसको पढ़ रहे हैं लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं हो तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम नहीं जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान बट केवल ज्ञान उसके लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है देर इज नो नीड टू हैव एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इनडिपेंडेंट है उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं कि चीज होगी तो उसका ज्ञान होगा नहीं जैसे सूर्य सूर्य में की रोशनी सूर्य में सूर्य की रोशनी होने के लिए सूर्य का प्रकाश होने के लिए उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सूर्य का प्रकाश सूर्य का अपना सहज स्वभाव है उसका मौलिक उपादान है उसकी अपनी योग्यता है निजी क्षमता है जो उसे कभी अलग नहीं हो सकती है ऐसे ही जैसे सूर्य में सूर्य का प्रकाश चांद में उसकी अपनी चांदनी ऐसे ही हमारी आत्मा का अपना जो प्रकाशिक क्षमता है दैट इज कॉल्ड ज्ञान ये कभी अलग नहीं हो सकता ये सदा है ही फिर ये चार वेद कहां से आ गए मतीशुतावधि अगर कह रहे कि केवल ज्ञान उसका वास्तविक स्वरूप है उसका होनापन ही है आत्मा का तो ये बाकी चार वेदों की जरूरत क्या है मती अवधि मन पर्यव को क्यों बोला गया क्यों बताया गया इसलिए बताया गया क्योंकि ज्ञानी जहां खड़े हैं जिस स्थिति में हैं वो उस स्थिति की बात तो कर ही रहे हैं पर बाकी लोग जहां जहां जिस जिस स्थिति में हैं उन सब की स्थितियों को भी तो बताना होगा तो वो क्या देख रहे हैं कि सब लोगों के श्रयोपशम श्रम की क्षमताएं अलग अलग है सबके भीतर में रहे हुए मोह राग आदि विकार अलग अलग है तो अब ये जो विकार है उन विकारों की वजह से उनकी दृष्टि अशुद्ध होती है विकारों की वजह से दृष्टि पे आवरण आते हैं और जब दृष्टि पे आवरण आते हैं तो उनकी जो जानने की क्षमता है वो भी बाधित हो जाती है जैसे अभी हमारी दृष्टि दूर तक नहीं देख पाती तो हम चश्मा लगाते हैं कि ताकि हमको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लीन नजर आए नजदीक को नहीं पढ़ पाती तो भी हम चश्मा लगाते हैं कि वो चश्मे का अलग तरीके का कांच होगा कि कैसे हम नजदीक के अक्षरों को पढ़ सके तो हमें चश्मे की आवश्यकता क्यों हुई क्योंकि हम सब के भीतर जो दृष्टि में देखने की क्षमता है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है जब डिफरेंट डिफरेंट हो रही है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स वाले हमारे लिए चश्मे निर्मित किए गए एग्जैक्टली ठीक ऐसे ही हम सब की समझने और जानने की क्षमता भी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है हम सब के भीतर बहुत तरह की कमजोरियां हमने इकट्ठी कर रखी है बहुत तरह की मान्यताएं इकट्ठी कर रखी है धारणाएं इकट्ठी कर रखी है और फिर हम सब जो डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है बाहर से मिलने वाले जानकारियों के सोर्स पे डिपेंडेंट है और तब क्या हुआ हमारी ये डिपेंडेंसी और हमारे भीतर की डिफरेंट सिचुएशन ने हमारे लिए ये सारे भेद बना दिए मति श्रुत अवधि मनापर्य फिर मति के भी भेद है श्रुत के भी भेद है ये सारे भेद इसलिए बन गए क्योंकि हमारे भीतर की क्षमताएं के ऊपर अलग अलग आवरण आए हुए हैं ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं अलग अलग कारणों से वो बाधित हो गई है अब जब बाधित हो गई तो हम कहा खड़े हैं अब डॉक्टर के पास जाते हो आपकी आई साइड चेक करता है और वो आपको अलग अलग तरह के अक्षर पढ़ने को देता है और अगर आप वो सामने लगे हुए बोर्ड के ऊपर जो अक्षर आए हैं अगर आप उन सारे फिगर्स को प्रॉपरली पहचान पाते हो और सारे अक्षरों को बराबर पढ़ पाते हो तो वो कहेगा कि नहीं चश्मे की जरूरत नहीं है लेकिन वो देखता है कि बड़ों को पढ़ा छोटों को नहीं पढ़ा फिर उससे छोटों को और नहीं पढ़ा अच्छा अब तुमको ये वाला ग्लास फिट करना होगा ठीक है ऐसे ही हम इस जीवन में अलग अलग तल पर देख पा रहे हैं अब जो स्थूल स्थूल तल पर देख पा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है तो बोला मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अब जो और बारीकी में चले गए उन्होंने और सूक्ष्म चीजों को पढ़ा उसको क्या बोला ये अवधि ज्ञान तक है हाँ, ये देख पा रहे हैं ये यहाँ बैठे बैठे ये सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से देख पा रहे हैं मतलब अब बड़ी इंद्रियों की से तो केवल बड़े बड़े लेटर्स दिखाई दे रहे थे लेकिन अब छोटे लेटर्स देखने के लिए आपके भीतर में क्या वो भी इन है कि नहीं है तो वो देख रहे हैं हाँ हाँ ये देख तो पा रहे हैं लेकिन ये इसमें भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है तो उसका नाम दिया अवधि ज्ञान कि यहाँ बैठे हुए इतने क्षेत्रकाल को भी देख पा रहा है यहाँ बैठे हुए ये कुछ और चीजों को भी सुन पा रहा है जो कि कहीं सूक्ष्म रूप में मौजूद है इस तो रूप में तो मौजूद भी नहीं है लेकिन मौजूद है लेकिन उनकी जो मौजूदगी है उसका तल डिफरेंट है अब उस तल को भी वो ग्रेड कर पा रहे है क्या जैसे हम देखते हैं हम जिस कमरे में बैठे यहाँ पे कितनी तरह की आवाजें आ रही है कितनी तरह के वाइब्रेशन गुजर रहे हैं लेकिन क्या हम सबको सुन पा रहे हैं क्या वैज्ञानिक बोलते हैं हमारे सुनने की क्षमता भी एक पर्टिकुलर आ, फ्रिक्वेंसी में ही है हम इतनी फ्रिक्वेंसी से इतनी फ्रिक्वेंसी तक की चीजों को नॉर्मली कानों से सुन पाते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन सकते उसे हायर फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन सकते अभी यहाँ पे धरती की गूंज भी है क्योंकि धरती फुल टाइम रोटेड है तो कितनी गूंज पैदा कर रही होगी लेकिन क्या उस गूंज को हम सुन पा रहे नहीं? हमारे कान तो नहीं सुन पा रहे इस टाइम पूरी आकाश गंगा के अंदर कितने सारे उपग्रह ग्रह सब गति कर रहे हैं और जो भी गति करता है उसमें आवाज होती है अब जो आवाज हो रही है क्या हमें सुनाई दे रही है सूर्य की आवाज है चंद्र की आवाज है मंगल की आवाज है गुरु ग्रह की आवाज है शनि ग्रह की आवाज है नहीं नहीं हमें तो इस पृथ्वी ग्रह की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है तो फिर हमारी सुनने की क्षमता कितनी सी हो गई ये तो बहुत ही थोड़ी हो गई भैया देखने की क्षमता कितनी सी हो गई अरे दीवार सामने आ गई देखना बंद हो गया क्षमता बाधित हो गई दीवार आने के साथ ही तब तो गड़बड़ हो रहा है ये सारी क्षमताएं तो बहुत ही बाधित हो रही है तो उन्होंने हमारी क्षमताओं के आधार पर बोला कि इसका ये शास्त्रीय भाषा का शब्द श्रेयोक्षम यानी इसकी आंतरिक क्षमताएं आंतरिक योग्यताएं जो इसके अंदर आवरण आए हुए हैं वो किसी के कम किसी के ज्यादा किसी के किसी टाइप का किसी के किसी टाइप का है सबके भीतर के टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है तो उन्होंने बताया कि ये जो इंद्रिय ज्ञान हो रहा है उस इंद्रियों में भी सबके इंद्रियों को ग्रहण करने की क्षमता जो इंद्रिक क्षमता है वो डिफरेंट होने की वजह से सबका मति ज्ञान भी अलग अलग है जुदा जुदा है सबका श्रुत ज्ञान भी जुदा जुदा है और ये है, वो तो स्थूल स्थूल विषयों को ही ग्रहण कर रहा है एकदम ग्रॉस सब्जेक्ट्स को लेकिन उससे डीप किसी को जाना होता है तो उसको सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञान पैदा करना होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्स सेंस डेवलप हुआ है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कि अब ये जो है वो बिना इस स्थूल के भी कोई देख पा रहा है सामने हमको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन कोई सुन पा रहा है जैसे हम देखे हम अपने दिल की धड़कन को सुन नहीं पाए लेकिन जब डॉक्टर अपना हमारे हार्ट के ऊपर वो ल, यंत्र लगाता है और फिर वो कहता है अरे तुम्हारे दिल की धड़कन ऐसी हो रही है वैसी हो रही है गति ये तेज हो रही है ऐसा हो रहा अभी हमें तो नहीं पता था लेकिन डॉक्टर ने यंत्र के द्वारा उसका पता लगा लिया ऐसे ही हमें पता ही नहीं हमारे ब्लड के की जो स्पीड है वो कब स्पीड अप हो जाती है कब स्पीड कम हो जाती है कब एवरेज होती है हमें कुछ भी नहीं पता

सूक्ष्म भी बना सकते हैं और विस्तृत भी कर सकते हैं इंद्रियों को ग्रहण करने की क्षमता को हम और 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 एकदम सूक्ष्म स्तर पर ले जा सकते हैं देखो इतने जो हमारे टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहा है जो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई टेलीविजन चल रहा है तो वो रिकॉर्ड करके हमें वो बता रहा है उतनी क्षमता नॉर्मली हम नहीं देख पा रहे लेकिन टेलीविजन के थ्रू हम कितना कुछ देख लेते हैं वो एंटीना वो टेलीविजन वो क्या कर रहा है कि वो सारी वाइब्रेशंस को टेलीविजन के, के थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं को को तो, तो है, 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 है। वो, वो यहाँ बैठे बैठे बताता अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में इस टाइम में क्या हो रहा है और हम सबके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं हमने खाली अपना फोन ऑन किया और से वेबक्स का लिंक ज्वाइन किया ओ oh, र में क्या हो रहा है जयपुर में बैठी हुई बैगोश्री क्या बोल रही है सब कुछ दिखाई पड़ गया अरे ये क्या हो गया ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान पहले तो ये अवधि ज्ञान होता कि मैं यहाँ से बोलू आप सुनो आप उधर से बोलो मैं देखू आपको और मैं आपको देख देखे पढ़ रही हूँ अरे अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट भी बड़ा आराम हो गया ये तो फौजी हो गया वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो गया टेलीविजन के थ्रू हो गया क्या हो गया क्योंकि मौजूद तो आकाश में है ही ये सारी चीजें हम यहाँ टाइप करते हैं तुमको वहां पहुंच जाता है एक क्षण भी नहीं लगता सेम टाइम में यहाँ मैंने टाइप किया और वो आपके पास पहुंच गया अरे ऐसा कैसे इसका मतलब है कि अगर ये यंत्र ना हो और फिर भी मैं कुछ अपने भीतर सोचूं तो वो भी पहुंच तो रही है वो भी फैल तो रही है और केवल आप ही को पहुंच रहा ऐसे नहीं वो तो फैला है आकाश में लेकिन वापस आपके और मेरे बीच में उस फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट कर दिया गया है कि यहां से जो इस फोन के थ्रू लिखा जाएगा बोला जाएगा वो कैसे इसमें फैलते हुए दूसरे सारे डिवाइसेस को कनेक्ट हो जाएगा अरे कितना हो गया ये आज अवधि ज्ञान को समझना कैसा आसान सा हो गया पहले हम अवधि ज्ञानी को एकदम चमत्कारी भगवान महात्मा मान लेते उन्होंने उसकी बात बता दी आज ये सारी बातें यंत्र बता रहा है दूर बैठे हुए दृश्य बता दिया कितने आचार्यों की स्टोरी में आता है कि उन्होंने दूर बैठे हुए बता दिया कौन फला भक्त के घर में आग लग रही है फला तीर्थ स्थल पर आग लग रही है तो उन्होंने यहाँ बैठे हुए उस आग को देख लिया है अभी आज तो कहीं पर भी आग लग रही है पूरी दुनिया भर में देख लो और पूरी दुनिया में ही आग लग रही है पर देख कौन रहा है पूरी दुनिया ही जल रही है देख कौन रहा है पूरी दुनिया ही मर रही है जी कौन रहा है कौन देख पा रहा है अब कितनी गजब की बात हो गई पहले कोई देख लेता तो चमत्कार ही होता और आज सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन कोई देख ही नहीं रहा डरना बड़ा चमत्कार है जो युधिष्ठिर ने यक्ष युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि किम आश्चर्य आश्यर्य आश्चर्य क्या है तो अद्भुत बात क्या है इस दुनिया के अंदर जो तुम बताओ जिसको कि काटा ही नहीं जा सकता ऐसा आश्चर्य क्या है युधिष्टिर रहे होंगे ऐसा रिप्लाई नहीं कर सकते थे युधिष्ठिर बोले कि यह आश्चर्य है कि प्रतिदिन लाखों लोग मरते जा रहे हैं और फिर भी हमारे जीव को ऐसा लगता है कि मैं तो अमर ही रहने वाला हूं अब देखो ना आग तो हर जगह लग रही है लेकिन हमको लगता है कोई नहीं पड़ोसी मर रहे हैं मैं तो जीने ही वाला पड़ोसी बीमार हुए हैं मैं तो ठीक ही हूँ और इस ठीक के भ्रम में न जाने हम कब अपनी बीमारी से बाहर आएंगे और जब बीमार को अपनी बीमारी नहीं पता तो वो ठीक भी कैसे होगा भला कुछ तो दिन पहले हम एक जैन साधु के पास बैठे थे मैं स्वामी जी और, और भी स्वामी जी के मित्र लोग थे साथ में अब वो जो साधु है वो कोई चालीस एक साल से साधना कर रहे हैं है ना और स्वामी जी ने जैसे उसको बोला कि भाई मावी ने तो कसौटी दी है उस कसोटी पे खुद को परख लो मावी ने बोला वस्तु का स्वभाव धर्म है तो क्या हम इस वस्तु यानी शरीर जो सबसे निकट वस्तु हमारे शरीर है क्या हम इसके स्वभाव को जान गए हैं इसके भीतर जो इंटेलिजेंस है क्या हम उसको मिल लिए हैं क्या उस मैनुफेक्चर को जो शरीर का निर्माता है वो कहीं तो शरीर का निर्माण इनसाइड आउट हो रहा है आउटसाइड इन तो नहीं हो रहा बाहर से तो कान आके नहीं लगा रहा बाहर से नाक नहीं लगा रहा बाहर से आंख नहीं लगा रहा ये तो इनसाइड आउट इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू ही है हर वक्त चालू है तो क्या हम उस मैन्युफैक्चरर को समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं मिल पा रहे हैं उसके स्वभाव को हम जान पाए रहे वस्तु का स्वभाव धारा मावी ने जो धर्म की बात कही उसमें तो ना श्वीतर ना दिगंबर ना मूर्ति पूजा ना पूजा ना मैले कपड़े पहनना ना घर घर तो और प्रिसाइस वे में फॉर्मूला दे दिया कि वत्थु सहावो धर्मो जो अपने स्वभाव को उपलब्ध हुआ वो धार्मिक है और वो जो मुनि महाराज चालीस बयालीस साल से इस मार्ग पर अपने हिसाब से साधना कर रहे हैं भीतर में उनके भी कोई तो हड़कम बचा होगा उन्होंने सवाल किया, तो हम कैसे उस वस्तु के स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि जो हम बयालीस साल से अपने आप को धार्मिक पुरुष मान करके लोगों को गांव-गांव जाके धर्म का प्रचार कर रहे हैं हकीकत में तो हम भी उस धर्म को जाने ही नहीं जिसका हम प्रचार करने जा रहे हैं हम तो उपलब्ध ही नहीं हुए हम कैसे प्रचार कर रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद हुआ कि उनके भीतर प्रश्न तो पैदा हुआ कि फिर मैं उस वस्तु के स्वभाव को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? यह प्रश्न तो पैदा हुआ इस बात का मुझे बड़ा आनंद हुआ अन्यथा तो लोग सुन के भी नहीं सुनते देख के भी नहीं देखते तो शुद्ध ज्ञान ऐसे तो बहुत ही सामान्य बात है लेकिन ऐसे बहुत ही गुरु गंभीर बात है क्योंकि शुद्ध ज्ञान होता ही का हम सुन के भी ऐसे सुनते हैं जैसे हम जानकारियों को सुन रहे हैं, हम ऊपरी ऊपरी सुन रहे हैं उसके साथ अपना कोई तादाद में ही, ही नहीं होता अपनी मौजूदगी वहां पर नहीं होती सुन तो रहे लेकिन खुद खुद ही वहां प्रेजेंट नहीं है मौजूदगी नहीं है आदात में नहीं है तो सुनी बात ऊपर से दाएं बाएं से ऐसे ही बिखर जाती है लोग नहीं बोलते हैं, चिकने गड़े हो गए भाई हम तो मतलब क्या हुआ चिकने गड़े हो गए पानी ऊपर से डालते जाओ वो बिखरता जाएगा लेकिन कहीं लगेगा ही नहीं अंग को लगता ही नहीं भीतर प्रवेश करता ही नहीं है ऐसे हम सुन तो रहे श्रुद्ध ज्ञान हम बोल रहे हैं सुनने को लेकिन भीतर कुछ प्रवेश ही नहीं करता और मुझे बड़ा मजा आया जब उन महाराज जी के मुंह से ये निकला स्वामी जी से उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि फिर हम उस वस्तु के स्वभाव को कैसे स्वामी जी बोले भाई महावीर ने जो कसौटी दी है बस उस कसौटी पे कस के देख लो और सारी बातों को जाने दो कोई कुछ भी बोलता रहे दिगंबर शीतम्बरों को साधु नहीं मानते वो कहते तो कपड़े पहनते इनका मोक्ष हो ही नहीं सकता ये साधु ही नहीं हो सकते क्योंकि महावीर तो नग्न रहे थे अब वो अपने आपकी नग्नता को ही सिद्धि का प्रमाण मान लेते हैं श्वेतांबर में एक पंथ वाले दूसरे पंथ वाले को साधु नहीं मानते बोलते तो जड़ की पूजा कर रहे हैं ये कैसे साधु हम है जो मूर्ति की पूजा नहीं करते जड़ की पूजा नहीं करते तो है है हम ही अब जो दूसरे को मिथ्यात्वी कर, करार करने में लगे हुए हम देखते हर एक मान्यता वाले दूसरी मान्यता वालों को मिथ्यात्मी करार कर रहे आप कोई साधु तो ऐसे भी उनके पास आप चले जाओ और बात करना शुरू करो तो वो आपको बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने गुरुपति नहीं बांधी वो अपनी अपनी मान्यताओं के प्रति इतनी आग्रहशील है तो जो मान्यताओं की काराग्रम है वो सुनी गई कैसे सुनी नहीं पाते वो देखे गए कैसे देख ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने मान्यताओं के चश्मे जोड़ लिए इसलिए मती ज्ञान शुद्ध ज्ञान एकदम सरल सी बात है लेकिन इतनी सरल सी बात से भी हम वंचित हैं एक दिन मैंने स्वामी जी से सवाल किया आप इतने सरल हो फिर लोगों को समझ क्यों नहीं आते <laughs> स्वामी जी बोले लोगों को जटिलता में जीने की आदत हो गई है अब जटिलता में जीने की इतनी आदत हो गई हमें अनौपचारिक चीज समझ ही नहीं आती हम सबको औपचारिकता समझ आती है फिक्स पैटर्न समझ में आते हैं फ्रेम में रहने वाले लोग समझ में आते हैं और जो कोई फ्रेमलेस सोचे फ्रेमलेस जिए फ्रेमलेस रहे वो बात हमें समझ ही नहीं आती कैसे समझ आएगी तो श्रुद ज्ञान महावीर ने कसोटी दी महावीर की वाणी हमारे लिए श्रुद्ध ज्ञान है अब वो पे मनन करते जाए, तो मति ज्ञान पैदा हो जाएगा मति ज्ञान पैदा होने का मतलब क्या है हमारी दृष्टि के आवरण दूर होंगे तो हमको वो बोर्ड पे लिखे हुए शब्द साफ 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 दिखाई देंगे फिर ए ए नजर आएगा फिर ए में ना तो आस नजर आएगा ना एप्पल नजर आएगा ना ऑर्थोडॉक्स नजर आएगा ना ऑथेंटिक नजर आएगा ए ए नजर आएगा अभी क्या है सब ऑर्थोडॉक्स होकर सोच रहे बचपन से सिखा दिया ए फॉर एप्पल तो हमको सिखा दिया जैन साधु मतलब नंगे पांव चलना लोच करना माइक यूज नहीं करना ये नहीं अब ये बचपन की सिखावन इतनी गहरी चली गई कि महावीर ने जो साधु की परिभाषा बताई उससे तो हम चूक ही गए ये तो दो कौड़ी की बात है कोई नग्न हो जाए सारे जानवर नग्न है और इसमें क्या बड़ी बात हुई कि कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करी इससे धर्म का क्या संबंध हुआ किसी ने रात को खाना नहीं खाया इससे धर्म का क्या संबंध हुआ धर्म तो ये था कुछ और होता है इस कार में जीने का फिर इस कार को कुछ भी होता है तो ड्राइवर को परेशानी नहीं होती है वो स्थिति भेद विज्ञान में जो आ गया वो धर्म को उपलब्ध हुआ वो धार्मिक है अब जो भी उस स्थिति के लिए प्रयासरत है

गार्बेज इन गार्बेज आउट करता जाएगा और वो एक जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकेगा वो बड़ा साधु हो जाएगा वो बड़ा आचार्य हो जाएगा और इस तरह से पूरी जिंदगी साधुओं की एक बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करने में और एक पर्टिकुलर सेक्ट की मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने में लग जाती है क्या वो साधुता है क्या इसलिए हम साधु बने थे लेकिन सवाल भी तो पैदा हो कभी खुद के साथ की मावी ने बोला वथु वो वस्तु किसको बोला स्वभाव क्या है धर्म क्या है लेकिन पहले स्टेप पर ही हम उस सूत्र के साथ ठहरते नहीं उस सूत्र के साथ प्रयोगशाला में नहीं जाते हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस रट लिए सारे शास्त्र लेकिन इसके साथ प्रयोगशाला में नहीं उतरते कि जो वत्थु सहाव कहा वो वत्थु क्या है स्वभाव क्या है जब तक ये ना जान लू तब तक बस और आगे नहीं बढ़ना पहले इसी की डीप में जाना मेरे को, कोई ऐसे उतर गया ने सुना और अपनी मती के अंदर उस सुने हुए बात को प्रयोग में लाने के लिए वो अब संकल्पित हुआ अब उसके भीतर प्रज्ञा जगेगी अब मती मनन करेगी फिर हर क्षण देखना होगा कि मैं स्वाभाविक हूं कि नहीं हर क्षण जागना होगा कि वस्तु का स्वभाव इस वस्तु के भीतर क्या हो रहा है भीतर क्या चल रहा है अतः तो वो जानेगा ये शरीर एक हार्डवेयर की तरह है माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है और इस शरीर और मन को चलाने वाला जो है इसकी सारी प्रोग्रामिंग करने वाला वो जो प्रोग्रामर है वो कौन है अब इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग तो चल रहे लेकिन इस प्रोग्रामिंग को बनाने वाला कौन है वो प्रोग्रामर प्रोग्रामर कौन है जब हम प्रोग्रामर की दिशा में जाएंगे और फिर हमें पता लगे सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला इस सारी स्थिति को लाने वाला प्रोग्रामर कौन है अगर तो ये ख्याल आ जाए प्रोग्रामर जाग जाए तो फिर उसकी आंख क्लियर हो गई अब आंख क्लियर हो गई तो क्या होगा अब वो जो देख रहा है वो जो सुन रहा है अब वो इंडिपेंडेंट धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गया अब उसको किसी और की जरूरत नहीं किसी कोई कुछ भी बोले फिर क्या हुआ जब पूरी बात हो गई स्वामी जी की स्वामी जी जाने लगे साधु महाराज के पास अब वो साधु महाराज बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं ये जो बातें बोल रहे सब बातें मुझे पता है मैं भी ऐसे जी रहा हूँ मैं भी किसी मान्यता में नहीं हूँ और कुछ देर पहले मैंने उनको बोला इतना मैल इकट्ठा कर रखा है ऐसा क्यों बोलते हैं अरे अंदर मैल है इसलिए बाहर भी मैल है अंदर का मैल निकल रहा है इसलिए बाहर मैल है अब कुछ भी तो मैं भी बोली अभी थोड़ी देर पहले तो आप मान्यताओं की बातें कर रहे थे जी भी पूरे मान्यताओं में हो और आप कह रहे हो कि स्वामी जी जो बोल रहे हो सब बातें मुझे पता है मैं भी यही बातें लोगों को बताता हूँ ये बात बोलने का मतलब क्या हुआ कि अंदर खाई है नहीं तो ये बात ही कैसे आती अब तो हम वापस खुद को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम प्रमाणित हुए तो नहीं क्योंकि जरा भी जानकार लोग है कि वो आंतरिक रूप से उसके विपरीत है विराट गुरु जी टेन फैक्ट बताते हैं उनमें से एक फैक्ट ये है कि प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है अंदर में हम विपरीत इस बात का संकेत ही यह है कि हम प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे अगर कोई आदमी है तो वो प्रमाणित करने का क्यों प्रयास करेगा कि मैं आदमी हूं औरत नहीं हूं आदमी का ये प्र, प्रयास ही नहीं करता ये शो करने का कि मैं औरत नहीं मैं आदमी हूं भाई लेकिन जो सुंदर नहीं होते वो सुंदर होने का प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं जो धनवान नहीं होते वो बाहर दिखाने का प्रयास दिखावा करके प्रयास करते हैं मैं धनवान हूँ ऐसी तो बात हो गई चाहे आप अपना को साधु प्रमाणित करने का प्रयास या सज्जन प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब विपरीतता है और वाकई गहरी जिज्ञासा दृष्टि होती तो फिर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आदमी गहराई में चला जाता फिर तो मौन ही हो जाता फिर तो अंदर ही झांक के खुद से पूछता वस्तु का स्वभाव क्या है फिर तो वो प्रश्न कि बत्तीस साल बयालीस साल इस साधु के वेश में रह करके गांव गांव जाने के बावजूद मैं लोगों को तो धर्म सिखा रहा हूं लेकिन खुद तो धर्म को उपलब्ध ही नहीं हुआ क्योंकि वस्तु का स्वभाव तो मैं जाना ही नहीं ये एक प्रश्न ही अंदर गहराई से चला जाता तो श्रुत ज्ञान सुन करके भीतर में कोई एक समझ डेवलप होती है अब वो जो समझ डेवलप होने के स्तर है वो भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है समझ स्तर समझ के डिफरेंट स्तर का नाम मति ज्ञान अब सुना तो इसलिए था कि मती में प्रज्ञा पैदा हो लेकिन सुन करके मती में प्रज्ञा पैदा ना होकर के मान्यता पैदा हो गई तो हम फिर से आवरण के रस्ते पर चले गए भटकाव के रस्ते पर चले गए और प्रज्ञा पैदा हुई और मंथन चालू हुआ और प्रयोग की दिशा में चले गए तो हम प्रमाण की दिशा में चले गए तो ये दस नौवा सूत्र हमको दसवें सूत्र में ले जाता है दसवा सूत्र है तत्प्रमाणिक कि वह ज्ञान प्रमाण रूप है दो प्रमाण रूप है प्रमाणे जीवचन है दो प्रमाण रूप है वह ज्ञान दो प्रमाण रूप है लेकिन कब ज्ञान दो प्रमाण रूप है इसको हमें क्लियर करना होगा कि सुन करके प्रज्ञा जागी खोज गहरी हुई चिंतन निरपेक्ष हुआ खुद की मान्यताओं की पकड़ गायब हो गई और अंदर और बाहर कोई एकता कोई सजगता पैदा हो गई तो वो ज्ञान प्रमाण की दिशा में बढ़ गया बस सुन करके खुद को प्रूव करने की कोशिश हो गई मान्यताओं को दृढ़ करने की कोशिश हो गई खुद को सुपीरियर बताने की कोशिश हो गई किसी को इन्फीरियर करने की कोशिश हो गई ईर्षा पैदा हो गई तुलना पैदा हो गई और रागद्वेश पैदा हो गया बस प्रमाण की दिशा में नहीं गया तो दसवा सूत्र तत्प्रमाण है वह ज्ञान प्रमाण रूप है दो प्रमाण रूप है। सुनने से यात्रा शुरू हो रही है शुतम, मती, आगे सूत्र आएगा। सुनने से मति प्रज्ञा पैदा हो मति यानी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आए सुनने के साथ ही हमारे भीतर एक प्रज्ञा पैदा हो एक विजडम डेवलप हो जाए और विजडम कब डेवलप होती है जब आदमी सुनने की गहराई में जाता है कि ये बात जो कहा से आई है और ये कहां तक जाएगी वो कितने गहरे तलों तक जाती है सुनना कितने गहरे तलों तक जाता है तब देखना भी गहरे तलों तक जाएगा तो सुनना शुद्ध ज्ञान से मति निर्मल होती जाए तो ये श्रुत और मति हमें केवल ये की दशा में ले जाएंगे और बीच में दो ज्ञान और आ रहे हैं वो भी है तो भौतिक ज्ञान ही लेकिन वो पढ़ा भौतिक ज्ञान है जैसे साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं दिस इज साइकोलॉजी एंड दिस इज परा साइकोलॉजी इसे नॉर्मल साइकोलॉजी दिस इज परा साइकोलॉजी तो वो क्या हुआ जो उसको अब नॉर्मल बोला साइकोलॉजी में तो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसमें अब नॉर्मल की लैंग्वेज होती है कि अब नॉर्मल का मीनिंग होता है कि बिलो नॉर्मल लेकिन बिलो नॉर्मल ही अब नॉर्मल थोड़ी है अब नॉर्मल इज ऑल्सो अब नॉर्मल अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान का मतलब हुआ अब नॉर्मल अब नॉर्मल है वो दोनों नॉलेज लेकिन अब, अब नॉर्मल है ऐसे तो क्षमता हर किसी में है लेकिन प्रकट अभिव्यक्ति हर किसी में नहीं है अवधि ज्ञान का प्राकट के तो फिर भी कॉमन है कुछ लोगों में तो ऐसे ही होगा जैसे विराट गुरु जी कहा करते हैं कि हर जन्मजात बच्चे में छह महीने तक तो अवधि ज्ञान की संग... क्षमता ऑटोमेटिकली होती है क्योंकि वो जो बच्चा जहां से आया है अभी उसका कनेक्शन वहां से है बाहर की मेमोरी कोई डेवलप नहीं हुई है तो उसके भीतर से हम देखते ना कभी हंसना फूटता है कभी रोना फूटता है ये सब कहां से फूट रहा है क्योंकि उसके भीतर में कुछ पुराना चल रहा है और वो कुछ पुराने के साथ कनेक्ट है वो कुछ और देख सुन पा रहा है अभी अभी उसकी इंद्रियों की क्षमता डिफरेंट डायमेंशन में काम कर रही है तो उसके अवधि ज्ञान उसके अंदर मौजूद है अभी हर जन्म जात छह महीने तक तो बच्चे में रहता है ये किसी किसी में ज्यादा देर तक भी रहता है इसीलिए छोटे बच्चे कई बार जब बोलने लगते हैं तब तो धीरे धीरे उनकी क्षमता करप्ट हो जाती है क्योंकि पूरी सामाजिक संरचना ऐसी है कल भी मैं घर में जहां हूं वहां देख रही थी कि अभी तीन चार महीने की छोटी सी बच्ची को बालिश करते उसकी दादी ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सी फॉर कैट क्या किया जाए उस छोटी सी बालिका के अंदर अभी तो बच्ची पैदा हुई है लेकिन हम शब्द घुसाना चाहते हैं हम हमने पुरानी पढ़ाई घुसाना चाहते हैं हम उस के भी चाहते हैं कि उसमें भी कोई मेमोरी डाल दें अनुभवी लोग कहते हैं कि कम से कम सात साल तक बच्चों को कोई मेमोरी का ट्रेनिंग नहीं दिया जाना चाहिए मेमोरी बेस्ड कोई बात बोलनी नहीं, नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाना चाहिए स्वामी जी इस बात को बहुत जोर देकर के जगह-जगह पर बताते हैं जब भी उनसे कोई लोग सवाल करते तो वो बताते हैं कि सात साल तक प्लीज बच्चों को रहने दो जैसे वैसे रहने दो कुछ भी मत सिखाओ लोग पूछते हैं क्यों तो, ऐसा तो वो बोलते हैं कि ये हम शरीर हार्डवेयर तो माँ के गर्भ से तैयार होके निकला लेकिन सॉफ्टवेयर अभी अंदर बन रहा है और उसको सात बरस लगेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप होने में और वो अपनी आंतरिक क्षमताओं से डेवलप होने दो हमने जैसे ही बाहर से कुछ डाल दिया उसका डेवलपमेंट प्रोसेस रुक जाएगा उसका इनर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं जब हम मेमोरी डाल रहे हैं उनके अंदर में क्योंकि अभी उनको कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है पर क्या करे हमारे समाज में उसी को ज्ञानी माना जाता है जिसके पास में मेमोरी का बड़ा भंडार हो अगर आप बोलो एक आठ साल का बालक दस साल का बालक गीता के सारे श्लोक पढ़ के सुना दे आप देखो पूरे जगत में विख्यात कर दिया जाएगा उसको और इसको सैकड़ों श्लोक याद है अरे याद होना तो मशीन भी कर सकती है इसीलिए मती का एक पार्ट जो मेमोरी हम आगे बात करेंगे आगे सूत्र आने वाला है मती स्मृति संज्ञा चिंता इस सूत्र के अंदर हम बात करेंगे कि जो मेमोरी है स्मृति है ये पार्ट तो मैकेनिकल है इस पार्ट को डेवलप करने से आदमी का इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो जाता इसलिए मती ज्ञान को भी कितने भेदों में समझना होगा हमको मेमोरी डालते ही आदमी का इंटेलिजेंस गायब हो रहा है लेकिन हम सब गड़बड़ कर रहे हैं बच्चा स्कूल में जाने से पहले बहुत मजेदार होता है लेकिन जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है उसकी मौज घटनी शुरू हो जाती है मेमोरी तो बढ़ती है लेकिन जो आंतरिक ज्ञान की क्षमता है वो आवृत हो जाती है जो सहज बोध की क्षमता है और देखो इसीलिए ये जितने जीनियस लोग हुए हैं वो बहुत स्टूडियस नहीं थे वो स्कूल वैसे तो निकाल दिए गए अरे ये काम का ही लड़का नहीं है क्योंकि स्कूल की परीक्षाओं में पास नहीं हो रहा लेकिन जो स्कूल की परीक्षाओं में पास नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धू है वो फेलियर है वो अकल का वोट है अरे उसके पास की विजडम अलग है वो डिफरेंट डायमेंशन में देख पा रहा है सोच पा रहा है उसकी अपनी इनहेरेंट चीजें बाहर आराम से निकल पा रही है पर अब हमारी नहीं निकल सकती क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी मेमोरी घुस गई इतनी मान्यताएं घुस गई सारी मेमोरी ने मान्यताओं का निर्माण किया मान्यताओं ने मेमोरी को और मजबूत कर दिया मुझे याद है दीक्षा से पहले जब मैं 98 की बात है पाली फर्स्ट टाइम मेरा जाना हुआ तो वहां एक महिला मिली वो महिला को सौ से ज्यादा थोकड़े याद है थोकड़े बोले तो जैन शास्त्रों को शॉर्टकट जो समराइज कर दिया गया उसको थोकड़े बोलते हैं तो मुझे बोलती है कि आपको थोकड़े याद है मैंने बोला हाँ मुझे सब समझे मैंने तो बोले कि अच्छा तो समझे है तो ऐसे से अंगुलियों पे सुनाओ मैंने कहा नहीं अंगुलियों पे नहीं सुना रहा मुझको क्योंकि मैंने इस तरह से रटे नहीं है मैंने सब अंडरस्टैंड कर लिया है तो मुझे ये पता है कि किसी चीज को कैसे समझा जाता है वो क्या पागल है इसको कुछ नॉलेज नहीं है तुम दीक्षा लेने जा रहे हो तुम रटा हुआ ज्ञान नहीं है मैंने कहा रटा हुआ ज्ञान तो ज्ञान नहीं होता बोले ऐसा कैसे बोल रही हो रटा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता मैंने कहा ये तो अभी बुद्धि में है कल को हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी बुढ़ापा आएगा बुद्धि गायब हो जाएगी तो फिर जो मेमोरी नॉलेज है वो तो गायब हो जाएगा आप भूल जाओगे आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा दिखा, किताब भी नहीं पढ़ सकोगे सुन भी नहीं सकोगे फिर आपको ये रटा हुआ ज्ञान भी भूल जाएगा तो फिर ज्ञान खत्म हो जाएगा और महावीर भगवान ने तो कहा कि ज्ञान कभी खत्म होता ही नहीं है ज्ञान कभी मरता ही नहीं है ज्ञान कभी बूढ़ा होता ही नहीं है तो जो ज्ञान खत्म हो जाएगा जो मर जाएगा जो बूढ़ा हो जाएगा उसको हम ज्ञान कैसे कह सकते हैं और मेरे सवाल के ऊपर उस बुजुर्ग महिला को बहुत ही पीड़ा पैदा हुई ऐसे क्यों बोल रही है मैंने कहा ये ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान ये जानकारियां हैं और मति के संग्रह से हम किसी को पंडित बना देते हैं और पंडित अपने आपको ज्ञान ही समझ बैठता है यही गड़बड़ हो जाती है और हम सब लोग ऐसे ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट करना पसंद करते हैं जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती हो जिसको बहुत सारे शास्त्रों को रटे हुए हो जो आग बन करके सारे शास्त्रों को दोहरा सकता हो और बचपन में यही हमको भी ट्रेनिंग दी गई थी हमको भी ऐसे शास्त्र रटवाए गए हमने भी रटे थे लेकिन जैसे ही समझ में आया कि ज्ञान तो कभी मरता ही नहीं है ज्ञान अमर होता है तो फिर ये जो मर जाता है वो क्या है जो खत्म हो जाता है वो क्या है जो भूल दिया जाता है भुला दिया जाता है वो क्या है और ये हर साल ऐसे ही होता है हम सिक्स की पढ़ाई करते हैं फर्स्ट आने के लिए सारी किताबें रट डालते हैं सेवंथ में आते हैं वो सारी किताबें गायब हो जाती है अभी वो पूछे सेवंथ में आने के बाद सिक्स क्लास में क्या पढ़ा था गायब भी हो गया अब डॉक्टर की किताबें क्या क्या पढ़ी थी सीए में क्या-क्या किताबें पढ़ी थी वकील बने तो कितनी किताबें पढ़ी थी कुछ पता है और सब गायब हो गई लेकिन हम फिर भी इसको ज्ञान बोल रहे हैं ये ज्ञान नहीं है ये ज्ञान नहीं है ज्ञान के नाम पर दिया गया जानकारियों का संग्रह है और जानकारियां ज्ञान पर आवरण है ये जानकारियों की पकड़ जिंदगी से जीवन के क्षण क्षण विवेक से हमें वंचित कर देती है जानकारियां उपयोगी है लेकिन उसकी पकड़ बाधित है बाधा है और आज तो जानकारियों का उपयोग लेना बहुत ही आसान है क्योंकि आज कुछ रटने की जरूरत नहीं गूगल सब बता देगा एक मिनट आप डालो कुछ भी चीज कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी और गूगल से भी ज्यादा वो जेट चीबिटी आ गया अब तो अब आप जो भी डालोगे आपको तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा आपको क्या जरूरत है लेकिन आज भी हम मेमोरी का प्रशिक्षण कर रहे हैं तो सात साल तक बच्चे को कैसे अछूता रखा जाए ये समझ सबके पास तो बहुत अच्छा इसके अंदर मेमोरी मत डालो इसका अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है अभी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट डेवलप हो रहा है उसके बीच में हम डिस्टर्ब ना करें तो क्या होगा उसकी अपनी देखने की क्षमता खुली रहेगी और इसीलिए देखो कई में कई ऐसे लोग संत हो गए कई ऐसे लोग धार्मिक हो गए जो कभी धार्मिक स्कूलों में नहीं गए जो कभी शास्त्रों का अभ्यास नहीं किए जो कभी एग्जाम्स नहीं दिए शास्त्रों की जो कभी पंडित नहीं बने वो तो धार्मिक हो गए धर्म को उपलब्ध हो गए और जो ये पंडित है वो धर्म से बड़े दूर हो गए वो स्वभाव से बड़े दूर हो गए जितना शोक और धार्मिक समाज है वो धर्म से उतना ही ज्यादा दूर है असली धर्म की उनमें संभावना तक भी बहुत कम हो गई क्यों क्योंकि सहज प्रेम भी गायब हो गया वो किसी साधु को देखते हैं तो तुरंत देखते है अरे मेले कपड़े वाले तो घर में गोचरी के लिए आने दो वर्ड कपड़े वाले तो आने दो मैले कपड़े वाले को मत आने दो मुहपति वाले है तो इनको प्रेम करो आदर करो रहने की जगह दो मुँह पति वाले नहीं है तो इनको मत दो अब ये क्या हुआ सहज स्वभाव भी खत्म प्रेम भी खत्म सहज आत्मीयता भी खत्म तो क्या वो धर्म के नजदीक है या धर्म से कौन से दूर हो गए पर फिर भी हम उनको ज्ञान ही बोल देंगे क्योंकि वो शास्त्र खूब रट रखे है पंडित जी खूब बन गए हैं और ये पंडित लोग कथावाचक लोग विराट गुरु जी बार बार क्या करते थे पंडितों को कथावाचकों को तांत्रिकों को इनको मोक्ष नहीं है मैं पूछती ऐसा क्यों कहते हो आप लेकिन अब अनुभव से समझ में आया कि ठीक ही कह रहे हो ऐसा ही हो रहा है तो हम जिसको ज्ञान समझ रहे वो ज्ञान नहीं है ज्ञान वो है जो हमारे भीतर अपनी मनन की क्षमता को डेवलप करे हमारी दृष्टि को आवरण से दूर करे मिथ्या मान्यताओं से मान्यता मात्र मिथ्या है सारी मान्यताओं से मुक्त करे और देखने की एज इट इज क्षमता डेवलप हो तो यथार्थ ज्ञान तब होता है जब दर्शन सम्यक हो सम्यक दर्शन होने पर जो ज्ञान हो रहा है वो भी स्वयोक्षम की तरसमता लिए हुए होने की वजह से चार भेद बताए गए मतिश्रुत अवधि मन पर्यव मति शुद्ध भी भौतिक है लेकिन वो सूक्ष्म स्थूल है अवधि मनपर्य ज्ञान में क्या डिफरेंसेस है कि अवधि ज्ञान थोड़ा सूक्ष्म इंद्रिय के साथ हो रहा है अब सेंसेस थोड़ा और गहराई से सुन देख पा रही है तो इस अवधि ज्ञान में विशेषता क्या होती है कि आदमी क्षेत्र और काल की कुछ मर्यादा लिए हुए दूर तक की स्थितियों को भी जान पाता है देख पाता है समझ पाता है उनको भी ग्रहण कर पाता है जैसे एग्जाम्पल्स हमने दिखाया कि सामने नंबर प्लेट्स लगाई है और आपको वो अः आपकी आईसेट चेक करने वाला बोलता है कि वो जो नीचे वाली लाइन के अक्षर है वो पढ़ के सुनाओ हम वो एकदम बारीक 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 बारी लेटर्स में लिखे हुए हैं हम वो भी पढ़ के सुना पाते हैं या नहीं मतलब वो भी हम पढ़ पाते हैं या नहीं ये बड़ी बात है तो हम सूक्ष्मतम स्तर को भी देख पाते तो अवधि ज्ञान हो जाता है अनुभवी लोगों ने एक बहुत गजब बात बताई मैं उसको भी शेयर करती हूँ फिर आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं हम वो कहते हैं कि जब हमें हम मेरे को प्रेम आया ये आकर्षण जो पैदा हुआ है अब इसको लॉजिकली तो हम फिट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ वो गोरा है लंबा है, है ऐसा है वैसा है वो सारी बातें नहीं है कुछ अलग है जो हमको छुआ जिसने हमको कहीं कनेक्ट किया कहीं छुआ है वो क्या कहाँ गया वो छुअन कहाँ से आई वो क्या है तो अनुभव कहते हैं ये अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट है मती के पास तो सारे पैरामीटर्स से जैन है तो ही अट्रैक्ट होना जैन को जैन से शादी होनी चाहिए मुस्लिम को मुस्लिम से होनी चाहिए हिंदू को हिंदू से ये सारे मती के पास तो बहुत सारे पैरामीटर्स है मती के साथ तो बहुत सारे पैरामीटर्स है फला जाति गोत्र नाम देश लिंग ये वो पैसे वाला नहीं पैसे वाला ये वो सारे पैरामीटर्स मती में डाल दिए गए हैं लेकिन कुछ एक ऐसा चीज होती है जो बियॉन्ड हो जाती है सारे पैरामीटर्स को नहीं देखती नहीं चेक करती लेकिन कुछ और पैदा हो जाता है किसी को देख के सहज प्रेम का एक भराव आता है एक प्रेम छलकता है और वो जो प्रेम का अनुभव हमको किसी को देख करके हुआ वो इन सारे पैरामीटर्स की बात नहीं सुनता वो मती को बीच में नहीं लाता लेकिन कहीं पहुंच जाता है वो अवधि की क्षमता भी है और वो तब हम किसी के सूक्ष्म तल पर कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहरी तल से तो हमारा कनेक्शन का कोई कारण समझ नहीं आ रहा लेकिन कोई सूक्ष्म तल पे कोई एक अट्रैक्शन कोई एक कारण समझ में आता है उसको ज्ञानियों ने अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट क्या है ये क्षमता सबके ही भीतर है प्रकट सबके अलग अलग लिए हुए हैं, लेकिन है ही अब मन ज्ञान की बात करें तो वो मन की पर्यायों को जान लेता है ये मन मन की पर्याय को जान लेता है इसके संबंध में थोड़ा अगर और विस्तार से जानना है तो हम फिर कभी और जानेंगे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं <laughs> जितना सुना उस सब लिए धन्यवाद इसमें से कुछ टेक अवे कुछ ले जाना अपने साथ और कुछ प्रयोग में उतरना तभी महावीर समझ आएंगे महावीर साइंटिस्ट है वैद्य फिर भी समझ आता है साइंटिस्ट के लिए खुद को अपना लेवल ऊपर करना होगा उस दिशा में तत्व की दिशा में जाना होगा यथार्थ ज्ञान की दिशा में बढ़ना होगा तो हम सब यथार्थ ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े और वो प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो हमारे भीतर हो ही रही है उसको रोके नहीं बड़ा मजा होएगा अन्यथा मान्यता बीच में आ जाती है और प्रेम गायब हो जाता है प्रेम आ जाए तो मान्यता प्रेम आ जाए तो अवधि ज्ञान आ जाएगा बड़ा मजेदार बात है कैसे प्रेमी को और बहुत गहरे दुश्मन को अवधि ज्ञान हो जाता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे आज इतना ही ओम शांति विराट गुरु जी की दी हुई दुआ आशीर्वचन आप सबके लिए पढ़ती हूँ आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे यू रूह की मुस्कान खुल के, के. जय हो जय हो जय हो सबका कल्याण हो ओम शांति ओम शांति